नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रविवार पूर्वा साढ़ा नक्षत्र आज दिन भर शाम 5:30 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात उत्तरा साढ़ा नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। चंद्रमा आज भी पूरे दिन रात्रि 12 बजे तक धनु राशि में ही चलते रहेंगे। आज भी पूरे दिन चंद्रमा मंगल और शनि की युति बनी रहेगी। फलस्वरूप सभी जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। बात बात पर गुस्सा आना, उत्तेजित होना, किसी बात को बर्दाश्त करने की क्षमता का कम होना, अनावश्यक चिंता, कोई भी काम आसानी से ना संपन्न होना इत्यादि बातें संभावित हैं। इसलिए हर विषय में सौहार्दपूर्ण माहौल का ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज भी असंतुष्टि वाला दिन कहा जा सकता है। हर क्षेत्र से मानसिक दबाव, पारिवारिक सुख शांति में कमी और अपने कार्य क्षेत्र में उलझनों का दौर संभावित है। कार्य क्षेत्र से संबंधित भाग दौड़ और यात्राएं भी संभावित हैं। शाम के बाद के समय में थोड़ा सुधार होगा और स्वयं के प्रति संजीदगी बढ़ेगी और घर परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धन संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति अधिक रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुधार संभावित है। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी हासिल होगी। सकारात्मक ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी। शाम के बाद का समय व्यावसायिक भागदौड़ और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बीतेगा। व्यावसायिक उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ेगा। कुछ कामों में अनावश्यक यात्राएं और संबंधित मामलों में खर्च भी संभावित है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक होता रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल लाभदायक रहेगा। पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। भविष्य की नई योजनाओं के लिए प्रेरणा मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अधिकारियों और अभिभावकों का सहयोग मिलता रहेगा। मगर शाम के बाद कुछ मानसिक उलझनें आपकी सक्रियता और कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक सहयोग बना रहेगा। नवीन रिश्ते कायम होंगे और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए अपनी कार्य योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए सक्रियता बनाए रखें। आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में बार बार उतार चढ़ाव संभावित है। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी मगर शाम के बाद की स्थिति आपकी कार्य ऊर्जा और आर्थिक स्तर को बढ़ाने वाला महसूस होगा। अधिकारियों व गुरुजनों का सहयोग बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। खुद और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो पेशाब और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। सिंह राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। आपके राशि स्वामी 8वें बैठे हुए हैं। चंद्रमा मंगल और शनि की युति 5वें घर में चल रही है और 12वें घर में बैठे राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। हालांकि विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि कौशल से आप अनुकूल माहौल का निर्माण करने में सक्षम रहेंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती जाएगी। मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। निजी संबंधों में उतार चढ़ाव संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक हो सकता है। आलस्य में आकर अपना समय व्यतीत ना करें और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं। मित्रों और सहयोगियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। निजी निवेश का योग बना हुआ है। वैवाहिक मामलों में सफलता संभावित है। शाम के बाद का समय आपकी कार्य ऊर्जा को और बढ़ाने वाला होगा। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। वाद विवाद या मतभेद वाले मामलों में समझौतावादी दृष्टिकोण उचित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन लाभदायी रहेगा।
चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में होने से व्यावसायिक योजनाओं के लिए नए अवसर सामने आएंगे। यदि कोई विवाद पहले से चला आ रहा है तो वह भी सुलझ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। शाम के बाद का समय चिंता को बढ़ाने वाला हो सकता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी मामले पर प्राथमिकता में रहेंगे। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुरूप मिलता जाएगा। आपकी योजनाओं में रुकावट की संभावना बनी रहेगी, इसलिए सावधानी बरकरार रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, सही बात भी सीधा सपाट बोलना सामने वाले के ऊपर प्रतिकूल छाप छोड़ेगा और बात बात पर उत्तेजित होना उचित नहीं होगा। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक रूप से रचनात्मक कार्यों में लगाएं, लाभ मिलेगा। धैर्य के साथ आर्थिक उन्नति के लिए लगे रहें, सफल रहेंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। विभागीय मामलों में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और जीवन साथी से विरोधात्मक रवैया संभावित है। धनु राशि वाले जातकों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। आपकी मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और बौद्धिक क्षमता का परिचय व्यावसायिक सफलता के रूप में मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग आपकी प्रेरणा को और बढ़ाने वाला होगा। धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नए निवेश का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और परिवारजनों के साथ किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में होने से सुख और संतुष्टि महसूस होगी। आपकी कार्य ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा। घरेलू संसाधनों में निवेश संभव है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शाम के बाद का समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाला होगा। छोटी यात्राओं के लिए योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहायता मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से सुकून मिलेगा। चंद्रमा का शुक्र और सूर्य दोनों नक्षत्रों में लाभदायक स्थिति कायम रहेगी। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विवादों को सुलझाने में आपके तर्क और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय सहायक होंगे। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। शाम के बाद का समय थोड़ा तनाव वाला बन सकता है, मगर आर्थिक लाभ की संभावना भी बनी रहेगी। यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र के विस्तार में लगा रहेगा। नवीन कार्य योजनाओं के लिए सावधानी आवश्यक है। मित्र व सहयोगियों से विश्वासघात का अंदेशा बनता है। शनि चंद्रमा मंगल का दसवें बैठना और राहु का पांचवें होना आपके धैर्य की परीक्षा के लिए पर्याप्त है। हालांकि आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर पग पग पर सावधानी अपेक्षित है। तात्कालिक लाभ के चक्कर में पड़ना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शाम के बाद का समय स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी के लिए संकेत करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।